उद्धव ठाकरे दीपोत्सव का विरोध कर रहे हैं, जो कि एक आश्चर्यजनक मोड़ है, खासकर जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए भगवा रंग का त्याग करके हरे वस्त्र धारण किए थे। अब वे निर्वाचन आयोग के दीपोत्सव विरोधी पत्र लिख रहे हैं। यह सवाल उठता है कि बाला साहेब ठाकरे की आत्मा को क्या लगता है, क्या यह एक राजनीतिक रणनीति है या वास्तव में उद्धव ठाकरे के विचारों में परिवर्तन, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए मोड़ की शुरुआत है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे के समर्थक उनके इस फैसले का समर्थन करेंगे या फिर विरोध, और क्या इसका असर आगामी निर्वाचन पर पड़ेगा। जो भी हो, यह तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई कहानी शुरू हो गई है और यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार आगे क्या कुछ होने वाला है। दरअसल मुंबई के शिवाजी पार्क में दिवाली समारोह को लेकर शिवसेना ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक पत्र में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मुंबई के दादर इलाके के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में दिवाली के दौरान दीपोत्सव का आयोजन किया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को औरंगजेब फैन क्लब करार दिया। शिवसेना ने गुरुवार को चुनाव आयोग को लिखे पत्र में मांग की है कि इस दीपोत्सव का सारा खर्च एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे के चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। अमित ठाकरे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और महिमा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार शिवसेना इस दीपोत्सव का विरोध कर रही है क्योंकि 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया पत्र, शिवसेना के उप सचिव सचिन पार्सनाइक ने बयान में कहा कि पूरे राज्य में आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एमएनएस को शिवाजी पार्क में दीपोत्सव आयोजित करने की अनुमति दी, जो बीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। एमएनएस ने वहां पार्टी के बैनर लगाए, गेट बनाया और दीप जलाए, यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और दिवाली के दौरान चुनाव आयोग में शिकायत करने पर शिवसेना की आलोचना की। बीजेपी ने कहा, मुंबई का शिवाजी पार्क एक ऐतिहासिक स्थल है और दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व पर दिए गए ऐतिहासिक भाषणों का साक्षी रहा, यह उनके बेटे की तरफ से विरासत का अपमान है जो दिवाली समारोह के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। क्या हिंदू त्यौहार अब औरंगजेब फैन क्लब को भी छुपने लगे हैं। एमएनएस ने भी शिवसेना के दिवाली समारोह पर आपत्ति जताने पर पलटवार किया। एमएनएस नेता बाला नंदगावकर ने कहा, हम यहां कई सालों से दीपोत्सव मना रहे हैं, इसका अमित ठाकरे के प्रचार से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना एक हिंदू त्यौहार पर आपत्ति कर रही है क्योंकि उसने हिंदू विचारधारा को छोड़ दिया है, अब उन्हें अपना धर्म बदलना। शिवसेना का चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराना तब हुआ जब बीजेपी और शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महीम सीट से अमित ठाकरे को महायुति का समर्थन देने का निर्णय लिया। वहीं शिवसेना उम्मीदवार और मौजूदा विधायक सदा सरवरकर ने अपना नामांकन वापस लेने से इंकार कर दिया है। बुधवार को उन्होंने राज ठाकरे से अनुरोध किया कि वे उनके साथ अन्याय ना करें और अपना समर्थन दें। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी।